कोरोना लॉकडाउन में जो गरीब मजदूर काम पर नहीं जा पा रहे थे और उनके घरों में खाने की समस्या है, ऐसे में मजदूरों के घर कांग्रेस पार्टी के युवा नेता भोजन वितरित करने का काम कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के कांग्रेसी युवा नेता प्रवीण सिंह चौहान ने कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद लॉकडाउन के कारण वे लोग जो मजदूरी से अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को दो टाइम भोजन देने का बीड़ा उठाया है। वे लॉकडाउन शुरू होने से लगातार ये काम कर रहे हैं। प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि हम जो गरीबों को भोजन वितरित कर रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश के नेता राहुल भैया का भी योगदान है, उन्हीं के निर्देश पर यह सब कार्य चल रहा है और उनका आदेश है कि हम ऐसे गरीबों व असहाय लोगों की लगातार मदद करते रहें। ये जब से कोरोना काल शुरू हुआ, ये दूसरी लहर, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है, 25 तारीख, पिछले 25 तारीख से हम लोगों ने खाने के पैकेट बांटना शुरू किए। जब शहर में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हुई, सारे दुकानें खाद्यान्न के, भोजन के, सारी चीज़ें बंद हो गई, ऐसे में जो मरीजों के परिजन हैं, जो मरीज हैं तमाम अस्पतालों में, उन तक भोजन नहीं पहुंच पा रहा था, बड़ी समस्याएं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने मिल करके ये कार्य शुरू किया, अस्पतालों में पहुंच करके भोजन बांटना। आप बस स्टैंड में देख सकते हैं, तमाम गरीब लोग हैं जो भिक्षा रटन करके अपना जीवन यापन करते हैं, उनको भोजन की कोई व्यवस्थाएँ नहीं है। तमाम ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोग हैं, उनको भोजन की व्यवस्थाएँ नहीं है। जब ये होटल खुला करते थे तो उनको भोजन मिल जाया करता था कहीं से थोड़ा बहुत, लेकिन आज की स्थिति बहुत भयावह है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।